रायबरेली समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सेंट्रल बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर सिंह भदौरिया व महामंत्री शशिकांत शुक्ल ने अपने को अधिवक्ता बताने वाले LB के छात्र के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। सेंट्रल बार कई माह से LB की पढ़ाई कर रहे छात्रों को जिले की विभिन्न अदालतों में अधिवक्ताओं की ड्रेस में काम करने का विरोध के साथ साथ उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन यह लोग मान नहीं रहे थे। LB की पढ़ाई कर रहे अभय कुमार गुप्ता बीती 4 अक्टूबर 2021 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में एक मुकदमे में पीठासीन अधिकारी को अपने को अधिवक्ता बताया गया। पूछताछ करने पर अभय कुमार गुप्ता ने अदालत को बताया कि वह LB का आधारशिलाला कॉलेज का छात्र है। तब पीठासीन अधिकारी ने उक्त संबंध में सेंट्रल बार एसोसिएशन व विद्यालय को पत्र लिखा, जिसमें सेंट्रल बार अध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक में फर्जी अधिवक्ता के नाम अपराध संख्या 614/21 धारा -419, 420, 471 के तहत शहर कोतवाली में महामंत्री शशिकांत शुक्ल ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बार पदाधिकारियों ने चेताया कि LB के छात्र अपने विद्यालयों में पढ़ाई करे तथा न्यायालय परिसर में अधिवक्ता की वेशभूषा में न आए। बैठक में बृजेंद्र प्रताप सिंह, धर्मेंद्र कुमार अवस्थी, विकास सिंह, प्रमोद कुमार चौधरी, अनिल कुमार प्रजापति, कैलाश बख्श सिंह, सुनील कुमार सिंह, मेजर सविस्ता ब्रिजेश, सुधांशु नाथ सिंह, इसरार खान, गंगा प्रसाद रस्तोगी, आनंद गुप्ता, आशीष वाजपेयी, अमित कुमार मिश्रा, सतीश सिंह, शोभित श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, राजेश कुमार यादव आदि पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में कमेंट करें, लाइक एवं खबरों को अन्य ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का खबर देखने के लिए धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह भदौरिया, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस चीज को लेकर आप प्रेस कर रहे हैं? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि तमाम LLB के छात्र जो हैं, जो विद्यालयों विभिन्न विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो कचहरी में और जो अदर्स कोर्ट हैं, कलेक्ट्रेट वगैरह हैं और तहसीलों में भी ये लोग वकीलों के वेशभूषा में घूम रहे हैं और न्यायिक कार्य संपादित कर रहे हैं, तमाम लोगों से ठगी कर रहे हैं, तमाम शिकायतें आती हैं। चूँकि ये लोग अपने गाँव में या अगल बगल क्लाइंट्स ये बताते हैं कि हम अधिवक्ता हैं, जबकि वो छात्र हैं और अधिवक्ता बताकर उनके साथ ठगी करते हैं, उससे गलत पैसे लेते हैं। इससे हमारे समुदाय की बड़ी बदनामी हो रही है। अभी हाल में ही मोटर सीनेट ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो है, एक वकील साहब हैं, उनका नाम अभय कुमार गुप्ता है, वो वकील नहीं है, LLB के छात्र हैं, वो कोर्ट को एड्रेस करने पहुंच गए। कोर्ट ने उनसे परिचय पूछा, उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश किया है, हमको भी सूचना दी है कि भाई आप लोग जो है ऐसे जो छदमधारी वकील हैं बन रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो उस मामले को लेकर मैंने सदर कोतवाली में FIR भी लिखाई है। अभय कुमार गुप्ता जो LLB के छात्र हैं, उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। ऐसे भी हाल ही में कितने प्रकरण आपके सामने आए होंगे? ये तो पहला प्रकरण जो पकड़ा गया है, इसके पहले मैं 2-3 महीने से इस प्रयास में हूँ। बार बार मैं आपके मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ कि ये लोग ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि मुकदमा लिखा जाएगा तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सिंह साहब, आपने जिक्र किया कि जो LLB के छात्र हैं वो इस तरह के, मतलब उनसे रिलेटेड ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो क्या उन छात्रों के लिए भी कोई सहूलियत है, कुछ आप लोग अलग से कर रहे हैं ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाएं? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो कायदे से उनको चाहिए कि जाकर के अपने जिस विद्यालय में उनका प्रवेश है वहाँ क्लास अटेंड करें, पढ़ाई करें। अभी से वो बिना LLB की पूरी डिग्री लिए हुए अगर यहाँ पर आएंगे तो एक टाइप के दलाली कहे जाएंगे, और जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ाई न करके यहाँ पर आकर अपना सामान कर रहे हैं, आगे कार्यों में लिप्त हो रहे हैं। आगे बार ऐसे लोगों के लिए और क्या कार्रवाई करेगा? हम इनको भी समझा रहे हैं आपके माध्यम से, फिर एक बार संदेश दे रहे हैं कि जो LLB छात्र धारक हैं ये कचहरी प्रांगण में ना आए, अपनी पढ़ाई करें। अगर ये पकड़े जाएंगे तो जैसे अभय के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, इनके खिलाफ भी मुकदमा लिखाकर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। एक संदेश और हम देना चाहते हैं, हमारे संगठन ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग किया था कि आजकल रायबरेली जनपद में बहुत फर्जी पत्रकार भी घूम रहे हैं जो लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, और कुछ मामले सामने आए भी जिसमें लाखों रुपए लिए गए, लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप करके उसको सुलझा दिया गया। हालांकि उस मामले में FIR होनी चाहिए, लेकिन सुलझा लिया गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी निवेदन करूंगा कि फर्जी पत्रकारों पर रोक लगाइए, आप लोग भी उसमें साथ दीजिए कि जो फर्जी लोग घूम रहे हैं और लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से और पुलिस अधीक्षक से पुनः मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए, फर्जी पत्रकारों के खिलाफ इनको जेल भेजा जाए।
भैया क्या मामला है? आज अध्यक्ष जी ने बुलवाया है, कोई फर्जी अधिवक्ता पकड़ा गया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए मामला ये था कि माननीय मोटर दुर्घटना प्राधिकरण न्यायाधिकरण के जो चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रैंक है जिनकी, गुरप्रीत सिंह बावा जी, उनकी अदालत में एक लड़का अभय गुप्ता अपीयर हुआ और उन्होंने जब कुछ संदेह होने पर उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं अधिवक्ता हूँ। उसके बाद उन्होंने उनके सीनियर का नाम पूछा तो उसने उनका नाम बताया। जब जज साहब ने उससे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और COP नंबर पूछा तो वो नहीं बता पाया, तब उसने सच बताया कि मैं विधि का छात्र हूँ और अभी पढ़ रहा हूँ केवल। इसके बाद माननीय न्यायाधिकरण ने उस पर संज्ञान लेते हुए हमें भी लिखा, विधि जो उनका कॉलेज है उसको भी लिखा कि ये कैसे एक अधिवक्ता भी LLB की पूरी परीक्षा पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराता है और आज का जो दौर चल रहा है उसमें उसको एक परीक्षा भी पास करनी पड़ती है, तब उसको COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अलॉट होता है और उसके बाद ही वह विधि व्यवसाय कर सकता है। ये जो नए लड़के आ रहे हैं वो अपने आप को अधिवक्ता बताते हुए इस पूरे न्यायिक समुदाय की गरिमा को गिरा रहे हैं। उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं है और वो इसके लिए अधिकृत भी नहीं है, उसके बाद भी वो न्यायालय में अपीयर हो रहे हैं, ये पूरी तरह से विधि विरुद्ध है। इसके लिए हम लोगों ने करीब 3-4 महीने पहले से अभियान चला रखा है, बार बार पेपर में दिया है, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज को अवगत कराया है, पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया है, DM को अवगत कराया है कि इन लोगों पर रोक लगाई जाए, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों को नहीं समझ में आया और ये चल रहा है। पहला मामला इस तरह का आया और न्यायालय ने हमसे अपेक्षा की थी कि आप इस पर कार्रवाई करिए और हम लोगों ने, हमारी कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित करके तुरंत ही उसके विरुद्ध FIR दर्ज करा दी है। उसके कॉलेज को भी हम लिखने जा रहे हैं हम लोग। कितने अधिवक्ता होंगे आपके यहाँ न्यायालय परिसर में? अब इसकी कोई गिनती नहीं है, ये तो जब जान कितनों का रजिस्ट्रेशन होगा आपके यहाँ? रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर करीब 20-25 लोग हैं जिनका COP है, जो प्रैक्टिसिंग पूरे जनपद में प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत है।